ये जो कहा गया है कि मैंने समन्वय की बात की है, किसी की लिखान में समन्वय शब्द नहीं आएगा। I have never, never advocated combination of Ambedkarism and Marxism. ये पहली बात। किस उद्देश्य से इस तरह से डिस्टॉर्शन किया जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कभी भी ये समन्वय, मैंने बहुत सारा लिखा है आप लोग शायद जानते हो, तो उसमें मैंने समन्वय की बात नहीं की। समन्वय शब्द मेरे लिखाई में कभी मिलेगा। दूसरी बात है, बात नहीं बनती इसीलिए कि हम ये जानने की जरूरत है कि अंबेडकर की सोच का स्कोप क्या है। अंबेडकर के सोचने का स्कोप है उनका, उसके प्रोफेसर जॉन डुई नाम का प्रोफेसर जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था और अंबेडकर बड़े प्रभावित थे उनसे। जॉन डुई की सोच का स्कोप क्या है, उनका उनका एक क्या फिलोसॉफी थी उनकी, आप जानते होंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव प्रैग्मेटिज्म। प्रोग्रेसिव प्रैग्मेटिज्म कहता है कि कोई भी थियोरेटिकल पोस्टुलेट है उसको प्रैक्टिस में टेस्ट आउट करो और उसके जो नतीजे आते हैं उससे प्रैक्टिस को एनलाइटन करो और दूसरे जो एडवांस काइंड ऑफ पोस्टुलेट है उसका निर्माण करो और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जहां तक नेचुरल साइंसेस की बात है, एंड आई बिलोंग टू दैट बिरादरी, and my Marxism comes from physical sciences, not from sociology or political sciences, which actually can create a world of perspective with a play of words. I believe in that. So, ये जो बात pragmatic, progressive pragmatism है, ना कि मैं उसमें विश्वास करता हूँ, लेकिन ये scientific जो methodology है कि कोई theoretical hypothesis है, उसको laboratory में test out करो, and then you actually develop other hypotheses, इससे कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जॉन डुई का, और जॉन डुई वाज एक्चुअली वेल रेड मार्क्सिस्ट स्कॉलर, मार्क्सिस्ट स्कॉलर मार्क्सिस्ट की गुरु कर रहे हैं, लेकिन ही हैज टेक मार्क्स वेरी सीरियसली एंड फॉर व्हाट एवर रीजन यू कैन कैरेक्टराइज हिम बाय हिज नॉट मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट। सो दैट वाज अंबेडकर्स व्हाट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज टू द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, annihilation caste is the manifesto for the caste in India. This is what probably I wrote, or this is what I keep on saying. कि इसका अर्थ ये नहीं कि जो manifesto, manifesto एक जाहिरनामा होता है, तुम्हें क्या कहना है अपने खुलेआम बताते हो, उसको जाहिरनामा कहते हैं। इसकी जरूरत नहीं कि वो सही है। मैंने खुद इस बार लिखा है कि annihilation of caste, और अंबेडकर का आगे चलकर भी जो भी कास्ट एनालिसिस रहा है वो सारा का सारा गलत है, तो मैंने खुद कहा है, लेकिन फिर भी ये हमें एक्चुअली दहेज में लेबल मिलते हैं। फ्रैगमेंटिंग काइंड ऑफ टेंडेंसीज आ रही है दलितों में, तो उसका एक ये होता है कि उसको कोटा को अगर फिक्स कर समझा जाए, और रिजर्वेशन वुड बी एक्चुअली बेस्ड अपॉन द फैमिली एडेड यूनिट, हस्बैंड वाइफ हेड चिल्ड्रन एक्सेट्रा, उसका मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या इंप्लीमेंटेशन के लिए चाहिए, आई एम अवेलेबल, आई कैन डू दैट, बट कोई नोट नहीं करेगा, बिकॉज एवरीबडी, इट सो हैपेंस दैट एवरीबडी लव्स हिज कास्ट, द मोर यू आर यू लव इट मोर, सो दिस इज द वे। So it is not, it is a very intricate position that on every issue I have taken, but it gets deliberately distorted in these circles. We'll come to that. Asmita Rajniti ke bhi katu alochak hai, main hu alochak. Yahan tak ki main kahunga ki Ambedkarism, Marxism, Marxwadi, Ambedkarwadi bolna, ये एक आइडेंटिटी है जिससे इसका नुकसान इस देश के रिवॉल्यूशन का हुआ है और होने वाला है, यहां तक मेरी आइडेंटिटी की परिभाषा जाती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम एक अपने लेवल पे एक अपने इस पे फोरहेड पे लेवल लगा लूं कि मैं ये हूं या वो नहीं हूं। मैं मार्क्सवाद को ये नहीं समझता कि मार्क्स ने या लेनिन ने या माओ ने या उससे बाद में आने वाले लोगों ने क्या लिखा,
I don't care a damn about it. मार्क्सिज्म मेरे लिए एक मेथोडोलॉजी है मेरे कंटेम्पररी दुनिया को जानने की और उसका कोर जो सिद्धांत है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एवरीथिंग रेस ऑफ इट इज अ डेरिवेटिव डेरिवेटिव में मिस्टेक हो सकती है मार्क्स ने की वाली मिस्टेक से मार्क्स कोई सर्वज्ञ नहीं था ये जो टेंडेंसी है कि वेदों में सब कुछ लिखा है मैं आईआईटी खड़गपुर में मैनेजमेंट पढ़ा था और वहां पे आईआईटी आई थिंक यू रिकॉग्नाइज दैट आईआईटी समथिंग कि अपने को आज दुनिया इतनी बदल गई है इतने चोरों से बदल गई है जो पेस ऑफ द वर्ल्ड जो रफ्तार है दुनिया के बदलाव की इतनी है कि कोई भी सिद्धांत कोई भी भाष्य आज दुनिया को एक्सप्लेन करने में नाकाया रहेगा तो ये जो ऑर्थोडॉक्सी है ये जो मार्क्सिज्म को डॉगमा बनाने की रीत है आपको मेरी विनती है कि आप जरा उस पर रिथिंक करिए सोचिए ये ऐसा नहीं है कि मार्क्स ने उसका भी दावा नहीं था उसने कई बार बोला था मार्क्सिज्म एक्चुअली उसको जो कंटेम्पररी दुनिया के चेंजेस है जो भी डेटा अवेलेबल है नया नया डेटा पैदा होता है उसको कोलाबोरेट करके आप अगर जानेंगे नहीं कि मार्क्सिज्म स्टिल होल्ड्स ट्रू तब तक इसकी कोई अहमियत नहीं मार्क्स को सिर्फ स्टीम इंजन और आईसी इंजन पता था मार्क्स को यह नहीं पता था कि जो अंबेडकर के इसमें डिस्टॉर्ट करके मेरे बारे में कहा गया आज लेबर सेविंग डिवाइस करके टेक्नोलॉजी का स्वरूप नहीं है वो लेबर को डिस्प्लेस करने का स्वरूप आ गया है टेक्नोलॉजी में एक आदमी जो कि एक एक फैक्ट्री थियोरेटिकली स्पीकिंग मैं ऐसी फैक्ट्री क्रिएट कर सकता हूं जो कि एक आदमी चलाएगा और बहुत सारा प्रोडक्शन देगा जिसमें 10,000-20,000 वर्कर्स एक्चुअली में वर्किंग आती है तो ये स्वरूप है टेक्नोलॉजी का आईसीटी नैनो टेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी के जो इसके एप्लीकेशन आ रहे हैं इसका ये दुनिया का क्या स्वरूप होगा इसको आपको मैं आज इस पेपर में ये किया है कि मार्क्सिज्म के जो तत्व है उसको एडहेयर करके कंटेम्पररी इंडिया या इंडिया को परिभाषित करने की कोशिश की इंटरप्रिटेशन कर कोशिश किया है मुझे इंटरप्रिटेशन नहीं मुझे बदलाव चाहिए मार्क्स ने बोला था कि फिलोसोफर्स आर इंटरप्रेटेड वर्ल्ड पॉइंटिंग टू चेंज इट माय आल्सो पॉइंट इज द सेम दैट इंटरप्रिटेशन तो बहुत आते हैं एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था तो एक तरह का डिजा हो क्या फील हुआ मुझे पढ़ा है क्या है इसमें क्योंकि आधे से ज्यादा तो वही दोहराई बातें हैं अनु जब लिख रहे थे काश का और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कुछ रहा है उस निबंध में काश से मीडिया तो हम जानते थे कि ये सारा तो हमने कहीं पे पढ़ा है लिखा है कुछ तो भी तो इसमें क्या है लेकिन जब भी जो कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स पे ये पेपर कंटेक्ट करने की कोशिश करता है तब वो फॉल्ट करता है ये इसकी खासियत है एक्चुअली मुझे ये दुख है मैं जिन साथियों ने बिकॉज अपने इंटू यंग साथी लिखा होगा बिकॉज हम लोग कर चुके हैं हमें कुछ ये नहीं कॉलेज के डेज में सारा मार्क्स हम जाति को अप्लाई करने की कोशिश करके अदर डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं होंगे लिखते थे करते थे चर्चा होती थी सब कुछ होता था फिर हम उस इस फेज से गुजर गए मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि करीब 2-3 दशक के बाद इतने सारे अनुभव के बावजूद हम उसी पे बैक गियर में वहीं पे फुल सर्कल कर रहे हैं और वहां से शुरुआत कर रहे हैं उसका दुख है मुझे आज की यंगर जनरेशन को बोलना है कि ये मार्क्सिज्म नहीं है ये मार्क्सिज्म को आप डॉग्मा मत बनाइए और ये भी मैं बात साथ साथ कह दूंगा कि ये
इस तरह का कैरेक्टराइजेशन, इस तरह का डिस्टॉर्शन से मुझे एक्चुअली वो बो आती है एक्विजुडाइज और एरोगेंस ऑफ ऑर्थोडॉक्स कि हम ही है इस तरह का जो डिस्कोर्स है या इस तरह का जो पेपर है. Well, I admire that this organization of such a thing with the ample time to discuss, etc. But all the same, I will really express my shame over this kind of formulation. Because it only smacks of casteism, nothing else. So this is the caste that exists in them. Caste is not Chuachut, caste is ye nahi hai, wo nahi hai. But kisi ko trash karna, aur ye obsession ki main kehta hu, that is only correct. हाँ, बाकी का बाकी क्या सारा कुछ बिकॉज अम्बेडकर को भी यही झेलना पड़ा था कम्युनिस्टों के कम्युनिस्टिक के दिशा से कि व्हाटएवर ही स्पीक्स इज अ ट्रैश इज अ फल्ट है. इस तरह से जो बातें कही जाती है उससे यही कास्ट है, यही कास्ट है और कोई कास्ट नहीं होती. तो अभी भी इवन लेफ्टिस्ट सर्कल में जो जयवीर कॉमरेड के हिब्री में मैंने लिखा कि बिलास बहुत लिखता तो इसलिए आप जरा सतर्क रहिए, किसी भी एक्सप्रेशन में सतर्क रहिए कि कहीं आप ही कास्टिस तो है नहीं. थैंक यू. दिस इज बट ये मेरी ब्यूट एंट्री और किसी को समझ नहीं आती है. दैट इज नॉट इग्नोरेंस, दैट इज नॉट अ थिंग, दैट इज अ डेलिबरेट काइंड ऑफ कास्टिज्म. जिन्होंने काफी ब्रीफ में भाषण दिया उससे मैं सहमत हूँ, उस पर कोई दो मत नहीं है. लेकिन मैंने कब कहा कि जॉन डी का मैं समर्थन करता हूँ, मैंने कब कहा कि अम्बेडकर को आप इस पर एक्सेप्ट करो. ये बात को बहुत सारी बातें हैं अभी एक फिलोसॉफिकल तौर पे और दूसरी नहीं गई है उसको मैंने आई डोंट थिंक दैट मैंने कुछ कहा इस तरह का. तो ऐसी बातें हैं, काफी कुछ अच्छे अच्छी चीजें बोली गई हैं तो जिसका मैं समर्थन करता हूँ. जो क्लैरिटी एंड उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बहस को तो मैं उसका समर्थन ही करता हूँ. मैंने ये कहा कि इसको कुछ लेकिन जो मार्क्सवाद की जो परिभाषा है उसको मैंने उद्धृत किया है कि बहुत सारी बातें हैं जो हमारे हमें अगर मूवमेंट को आगे लेके जाना होता है तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा. ऐसा नहीं, वो भी मानते हैं कि मार्क्सवाद कोई डॉगमा नहीं है, नहीं है तो नहीं है वो ठीक है. लेकिन प्रैक्टिस में जो बन जाता है वो उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है कि सही है जिसपे कि डिबेट भी हो सकता है. आप करिए डिबेट वगैरह वो ठीक है लेकिन उसको मैंने स्पष्टीकरण किया. मैं किसी भी फिलोसॉफी में एंटर नहीं किया था अभी तक. मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन के तौर पर बताया था कि अम्बेडकर की मेथडोलॉजी थी जॉन ड्यूई की जो कि आई वॉज नॉट जस्टिफाइंग दैट. मैंने कहा कि वो साइंस के मेथोडोलॉजी से अगर देखा जाए तो उसी तरह की मेथोडोलॉजी साइंस यूज करता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ जॉन ड्यूई को. जॉन ड्यूई वाज अमेरिकन लिबरल, ऑल दिस थिंग, ऑल फेबियन सोशलिस्ट ट्रेडिशन का वो एक हिस्सा थे वगैरह, सभी को मालूम है. उसमें दोहराने की क्या बात है, कुछ ज्यादा बोलना नहीं है. मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि उसने कुछ डिबेट को शायद जन्म दिया और उसको शायद एनरिच कर जाएगी. मुझे उसके बाद में बहुत कुछ बोलने का समय नहीं है. कभी फ्यूचर में अगर टाइम आएगा तो हम लोग उस पर बहस करेंगे. ओके.